फेमस ब्रांड जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग अनयूजुअल प्रोडक्ट से की थी। नंबर वन कोलगेट। कोलगेट कंपनी अभी अपने टूथपेस्ट के लिए एक फेमस ब्रांड बन चुका है और ये कंपनी पहले हैंड सोप बनाती थी। और ये ऐसी फर्स्ट कंपनी थी जो कि अपने सोप के प्रोडक्शन में बीफ का फैट भी मिक्स करती थी। इसके फाउंडर इंग्लिश मैन विलियम कोलगेट थे। और जब कोलगेट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया गया तो वो पहले बाकी कोलगेट से अलग था और वो ट्यूब की जगह स्मॉल जार में आता था। नंबर टू लीगो। डेनमार्क की लीगो कंपनी जो कि अभी अपने टाइनी ब्लॉक बेस्ड क्रिएशन के लिए फेमस है, वो पहले टॉयज के साथ वुडन पोल मैन्युफैक्चर करता था। लीगो कंपनी ने वुडन टॉयज को बंद करने का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि 4 फरवरी 1960 को लीगो डिपार्टमेंट बिजली की चपेट में आ गया था और तीसरी बार जल चुका था। फिर बहुत सोचने के बाद उन्होंने वुडन टॉयज का प्रोडक्शन बंद कर दिया और प्लास्टिक टॉयज पर कंसंट्रेट किया। नंबर थ्री टोयोटा। टोयोटा जो कि अभी एक फेमस कार ब्रांड है, वो पहले लूम्स मैन्युफैक्चर करती थी। लूम्स एक ऐसी मशीन होती है जिससे वीविंग की जाती है और वीविंग टेक्सटाइल प्रोडक्शन का एक मेथड है और उसके लूम्स एडवांस डबल लेवल भी होते हैं। और ये लूम्स टोटली ऑटोमेट लूम्स थे, मतलब बिना किसी पर्सन की हेल्प से काम करते थे। नंबर फोर सोनी। सोनी कंपनी अभी बहुत फेमस है पर ये पहले इलेक्ट्रिक राइस कुकर मैन्युफैक्चर करती थी। सोनी के फाउंडर मसारू इबुका का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल था, उनको बस अपने गिफ्ट में मिले राइस के माउंटेन्स को क्विकली और इजीली पकाने में अपने स्टाफ की हेल्प करनी थी। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट से मिलता जुलता था। सोनी का फर्स्ट राइस कुकर एक बकेट की तरह लगता था जो कि पानी को गर्म करता था और टेस्टी और फ्लफी राइस को प्रोड्यूस करता था। नंबर फाइव नोकिया। फिनलैंड की कंपनी नोकिया कंपनी जिसने लेट 90s में मार्केट में राज किया था अपने स्नेक 2 की इरिटेटिंग रिंग डोंग की वजह से। वो पहले पेपर पल्प और टॉयलेट पेपर के लिए फेमस हुआ करता था। नोकिया एंड्रॉइड में शिफ्ट नहीं हुआ था इसलिए अब उसके मोबाइल इतने फेमस नहीं है।